अंदर आए, गुरुद्वारा जो आप टहल रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर मंदिर तुम कितनों पूजा कर लो, इससे आपकी कोई श्रद्धा पूरी नहीं होगी। जब तक आपके अंदर से आपके मन में भगवान न आ जाए, आपके अंदर अगर प्री पोजिशन ना आया तो मीनिंग कहाँ भाग रहा है, कहीं और जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि बुक ही क्या है दोस्तों, टेबल है, लेकिन बुक ही टेबल तो नहीं है। लेकिन इसने जवाब दिया कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि भैया बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो प्री पोजिशन टॉपिक अगर चालू कर रहे हैं तो प्री पोजिशन होता क्या है, तो आप लोगों के लिए नोटिस देना चाहेंगे भैया, जब जिंदगी में घमंड आ जाए, जब जिंदगी में घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। तुमसे अच्छे अच्छे लोग राख बने पड़े हुए हैं, तुमसे अच्छे अच्छे लोग राख बने पड़े हुए हैं। तो अपना जो क्लास लगने वाला है वह प्री पोजिशन है, क्या है भाई साहब? तो बताइए दोस्त, अपना टॉपिक क्या लगने वाला है? प्री पोजिशन। अपना टॉपिक बताइए क्या है? तो सबसे पहले आज हम इस क्लास में प्री पोजिशन का मतलब समझेंगे। प्री पोजिशन क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है अपनी बोलचाल में, अंग्रेजी के लिखावट में इसका क्या योगदान है, ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, चले इसके ऊपर। तो प्री पोजिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है प्री। पहले हम प्री पोजिशन का मतलब ही समझा दें आपको। ये जो लिखा गया है प्री, तो सभी लोगों को पता है प्री का मतलब पहले होता है, प्री का मतलब पहले होता है ना? क्या होता है दोस्तों? पहले, बिफोर। और दूसरी बात, पोजीशन की अगर बात करें कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशंस मींस दैट प्लेस। क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर हम बोलें कि भैया साहब ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब, पोजीशन मींस दैट प्लेस क्या होता है? तो सीधा सीधा अगर पोजीशन का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पोजीशन से क्या लेना देना है, तो कहेंगे पोजीशन का मतलब ये स्थान होता है, हम स्थान के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। किसके बारे में भाई साहब? स्थान के बारे में, ठीक है ना? अभी तो मैं एक रचना दे रहा हूँ, क्योंकि आज इसी का पूरा डेमो क्लास है, इसी का आज क्या है, तो वन बाई वन करके हम प्री पोजिशन को चल लगाएंगे वन बाई वन, और ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा जो आपको दिक्कत करता है कि सर आई एट द स्कूल, आई एम इन द स्कूल लिखे, आई एम एट द स्कूल लिखे, आई एम ऑन द स्कूल लिखे, कि क्या लिखे, ठीक है ना? तो एक भी प्री पोजिशन नहीं छोड़ेंगे, जितने भी प्री पोजिशन है उसको एकदम क्लियरिटी के साथ, किसके साथ भाई साहब? क्लियरिटी के साथ एकदम क्वालिफाई किया जाएगा, विस्तार से एकदम से। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, ये प्री पोजिशन का मतलब अपने को समझ में आया कि प्री का मतलब बिफोर होता है और पोजिशन का मतलब प्लेस होता है, सही है ना? अच्छा, जैसे अगर हम कुछ यहाँ पे आपसे बोले, आपने सुना होगा प्री बोर्ड, प्री बोर्ड का नाम सुना है? प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड के पहले, जो भी कुछ बोर्ड के पहले होने वाली क्रियाओं को हम लोग प्री बोर्ड कहते हैं। देखो तो मतलब ये इसके पहले होगा, यहाँ पोजीशन है, कोई स्थान है, कोई चीज होगा, उसके पहले जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह कहलाएगा प्री पोजीशन, ठीक है ना? अब इसका इसमें रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब? रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, ये प्री पोजिशन लगाएंगे किसको, वह स्थान कौन सा होगा, तो वह स्थान होगा दोस्तों, वह नाउन का होगा, किसका होगा, वह नाउन का होगा। ये जो प्लेस है, ये प्लेस होगा दोस्तों नाउन, क्या होगा यहाँ पे, ये प्लेस होगा, ये नाउन क्या होगा मेरे दोस्त? और ये नाउन ना को कुछ भी बन सकता है, ये नाउन दोस्तों कुछ भी बन सकता है, ये जो नाउन दिख रहा है शक्ल में,
ये नाउन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका व्यवहार में क्रियाक्रम अलग होगा। अब ये नाउन दिख रहा है, ये एडवर्ब हो सकता है, क्या हो सकता है भाई साहब, और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। अब यहाँ पे समझना यही बात है कि जो प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन लिखा गया है तो दोस्त इसका मतलब क्या समझ में आएगा, प्रीपोजिशन का भी आपने संधि विच्छेद लिखा है, बस क्या लिखा है, इसको आपने तोड़ा है। अगर प्रीपोजिशन लिखा है इसके पहले जो नाउन आएगा, इधर जो एक नाउन लिखा गया है, इधर जो नाउन लिखा गया है, इस नाउन का अगर इस नाउन से प्रीपोजिशन इधर रहेगा, ये इधर इसके बाद नाउन आएगा और इधर भी एक नाउन है, इस नाउन का इस नाउन से रिलेशन जो ये बताएगा वह कहलाएगा, ये वाला जो बंदा है, ये जो प्रीपोजिशन है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ अगर दिखा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि आप जो प्रीपोजिशन लगाते हैं आप मकसद को देखते हुए लगाते हैं, है ना। तो मकसद में हमें देखना है 8 वर्ड्स में से 3 वर्ड के ऊपर कमांड करना है। पहला वर्ड है अपने पास वर्ब, क्या है भाई साहब, वर्ब अगर बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा, वर्ब बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा, एडजेक्टिव बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा, एडवर्ब बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा। तीन चीज के बदलने से ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। तो पहला शर्त इसमें है, जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आप, अगर वर्ब आप बदल दे रहे हैं, वर्ब कुछ और, पहले कुछ और वर्ब लगाया था, कुछ और वर्ब लगा रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन बदल जाता है अपने आप में, क्योंकि जो हम लिखना चाहते हैं वो मीनिंग नहीं देता है फिर। तो समझना पड़ेगा आपको कि प्रीपोजिशन हम क्यों लगाते हैं, सही है ना। तो बताइए प्रीपोजिशन किस लिए पढ़ाई करते हैं, दो नाउनों के बीच हम रिलेशन को उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन का पढ़ाई करते हैं। दो नाउन के बीच उत्पन्न किए गए रिलेशन को ही प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आइए यहाँ तक आपको जानकारी मिल गया होगा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि दोस्त नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों नाउन का काम क्या है, नाउन का काम क्या क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो शायद आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा भाई साहब, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर प्रीपोजिशन के बाद वह नाउन आया है तो नाउन किसका कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा भाई साहब। तो ऑब्जेक्ट कितनी जगह आता है, कहाँ कहाँ, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, क्या ये नाउन का काम बताया गया था। इसी प्रकार हम समझेंगे प्रीपोजिशन का काम, क्या समझेंगे, किस मकसद से हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रीपोजिशन को। तो इसका मकसद यही था कि नाउन को, नाउन से नाउन के बीच, नाउन से नाउन के बीच रिलेशन को दिखाना ही प्रीपोजिशन कहलाता है। और जिस शब्द से रिलेशन दिखाया जाता है वही शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाता है। नाउन का, नाउन से जो शब्द रिलेशन दिखाता है, जो शब्द रिलेशन दिखाता है वह शब्द कहलाएगा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का काम देखेंगे, इसका किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसका जो हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रीपोजिशन का, तीन मकसद से करते हैं भाई, कितने मकसद से, तीन ही मकसद है। जैसे नाउन का जो हम लोग पढ़ाई करते थे वह चार मकसद से पढ़ाई करते थे, एक सब्जेक्ट बनाते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और एक कॉम्प्लीमेंट बनाते थे, सही है ना। तो तीन मकसद, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है ये दो तरीके से होता है, तो मिला के टोटल कितने हो गए,
चार हो गए ना, तो चार मकसद से हम लोग नाउन का काम देखे थे। तो इसी प्रकार प्री पोजिशन जो है, प्री पोजिशन का तीन मकसद है। सबसे पहला जो मकसद अगर हम बात करें यहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम, क्या दिखाने के लिए भाई साहब, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए काम करते हैं भाई साहब। क्या करने के लिए, ये जो प्री पोजिशन का यूज करते हैं ना, एकदम एक्यूरेट टाइम दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका टाइम कहाँ एकदम सही है, कैसा है, किस प्रकार का है। और दूसरा काम, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आर प्लेस, ठीक है ना, लोकेशन माने स्थान या प्लेस। तो क्या दिखाने के लिए भाई साहब, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए प्री पोजिशन का मदद, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए प्री पोजिशन चाहिए। लोकेशन दिखा रहे हो एग्जैक्ट, तो अभी क्या लगेगा, प्री पोजिशन। एग्जैक्ट टाइम दिखा रहे हो तो भी प्री पोजिशन। देखिए तीन ही मकसद है इसका, और चौथा मकसद नहीं है इसका, केवल तीन मकसद से ये प्रयोग किया जाता है। तो मकसद जब पता होगा कि काहे हम लगाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। खाना खाते हैं तो काहे खाते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी शरीर कमजोर हो जाएगी। तो आपको मकसद पता है तभी तो खाना खाते हैं, नहीं तो खाना खाने से अगर हमारे शरीर कमजोर ना हो तो खाना ही हम छोड़ देंगे, काम भी हो जाए और खाना काहे खाए भाई, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको भी पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन है किसके मकसद से प्रयोग किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए भाई साहब, एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन। ये तीन चीजों के लिए पढ़ाई करते हैं, जो प्रीपोजिशन का पढ़ाई करते हैं वह तीन मकसद से पढ़ाई करते हैं केवल, और चौथा मकसद इसका नहीं है। अगर हम कोई भी प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो पहले आपको समझाएंगे ये टाइम कैसे सो दैट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आन ही उठा लिया, लेट अस सपोज दैट प्रीपोजिशन आन उठा लिया, तो आन सबसे पहले आपको समझाएंगे ये टाइम में कैसे प्रयोग किया जा रहा है, फिर आपको बताएंगे लोकेशन कैसे बता रहा है, फिर आपको बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे बता रहा है। यही चीज तीन काम करेगा, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन हो वो तीन काम करता है। कितना काम करता है, कितने काम, तीन काम मिला है, और उन्हीं काम को समझना है आपको कि ये कैसे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। आपको ये चीजें आपको कहाँ समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, जब इसका एग्जाम्पल लगाएंगे एक एक करके, तो ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या बता रहा है, सही है ना। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें बताओ प्रीपोजिशन क्यों पढ़ाई करते हैं, तो जवाब निकल कर आएगा सर एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, और एग्जैक्ट, ठीक है ना। और इसी के मदद से हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, बोलते हैं। मतलब अगर आप प्रीपोजिशन लगाओगे तो आपको वर्ब के बारे में ख्याल होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं पता है तो समझो कि आप क्या करने जा रहे हो, गलती करने जा रहे हो, सवाल में गलती करोगे, बोल नहीं पाओगे, लिखने में गलती होगा, हर तरीके से गलती करोगे आप, ठीक है। तो आइए, इतना बात अगर समझा दिया गया है तो यहां से आप तो डिफिनेशन में क्या जवाब दे सकते हैं, यहां से डिफिनेशन क्या बना सकते हैं आप, प्री पोजिशन इज अ वर्ड, प्री पोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, विच इज used, which is used to show, which is used to show relation according to other parts of direction. Full stop.
ठीक है। देखिए भाई, परिभाषा अगर आपको लिखना है तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज टू शो रिलेशन ऑफ अ नाउन टू अनदर नाउन, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमने आपको ये जानकारी इसलिए दिया है, बाकी इधर वाले जो लिखा गया है, ताकि ये प्रीपोजिशन का एक्यूरेट जो डिफिनेशन आपने लिखा है पूरा मीनिंग इसी के अंदर समाहित हो जाए, डिफिनेशन के अंदर जितना आपने पूरा बात बताया है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो एक नाउन से दूसरे नाउन को रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये था इसका डिफिनेशन। आपकी मर्जी कर रहा है तो यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगा देना, नहीं तो फुल स्टॉप कहां पर लगाए भाई साहब, यहाँ पे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए फिर आगे चले। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको पता है, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे दोस्त यहाँ पर जरा समझिए और बताइए, हम यहाँ पर आन भरेंगे, अंडर भरेंगे, बीसाइड भरेंगे, ठीक है, इसमें क्या भरेंगे, क्या भरेंगे बताइए। आन भरेंगे ना, और आन के सिवा तो ये भर दिया तो गलत, ये भर दिया तो गलत नहीं हो जाएगा। पहली बात, सबसे पहला काम कि इसमें चाहे हम आन भरते हैं, आन भरते ही समझ में आएगा कि भैया साहब अभी यहाँ से मुझे बताओ जो बुक है वही क्या है, टेबल है, जो बुक है वही क्या है, टेबल है। मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये बुक ही क्या है भाई साहब, टेबल है। और किसको देखते हुए हमने बताया अब यहाँ पे, ये जो वर्ब है इस वर्ब को देखते हुए हम बता रहे हैं कि ये टेबल कहाँ है भाई साहब। अगर यहाँ पे ये वाला शब्द लगा दे तो क्या समझ में आएगा, टेबल पर किताब है हम दिखा रहे हैं, मतलब ये टेबल है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, इसे भाई साहब किताब रखा गया है ना। तो ये चीज सो दैट करना शुरू कर दे रहा है। अगर प्रीपोजिशन ना आया तो मीनिंग कहाँ भाग रहा है, कहीं और जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि बुक ही क्या है दोस्तों, टेबल है, लेकिन बुक ही टेबल तो नहीं है। लेकिन इसने जवाब दिया कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि भैया बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। अगर हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे भैया साहब जो ये बुक है वो कहाँ है, अंडर द टेबल। इसे क्या समझ में आ रहा है, टेबल के नीचे है। जो किताब है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो क्या गलत हो गया है, पहली बात ये गलत नहीं है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, तो उस चीज को समझा रहे हैं। प्रीपोजिशन अभी मतलब समझो कि प्रीपोजिशन कैसे बदल जाता है, ठीक है ना। हम क्या बोलना चाह रहे, अगर हम बोल रहे हैं बीसाइड, क्या बोल दिया भाई साहब, बीसाइड बोल दिया, और आपसे बोल दिया कि भाई बताओ द बुक इज बीसाइड द टेबल, टेबल के बगल में है, किताब जो है टेबल के क्या है, नहीं समझ में आ रहा। जो बुक है वो कहाँ है, टेबल के। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्रास, क्या बोल दिया, एक्रास बोल दिया, एक्रास का मतलब क्या समझ में आ रहा है, टेबल के मतलब इस पार नहीं है, टेबल के उस पार, टेबल ऐसे है बगल में रहता, इधर रहता, समझ में आ रहा है उसके बगल में, ठीक है ना। लेकिन हम टेबल बोल रहे हैं जिस तरफ हम है वो टेबल इसे है, उसके उस पार क्या है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे लगा दिया है क्रॉस, ECROSS। अब बताओ गलत हो गया क्या, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि द बुक इज अक्रॉस द टेबल, किताब टेबल के उस पार है, लड़की नदी के उस पार है, द गर्ल इज अक्रॉस द रिवर। सही समझ में आ रहा है, लड़की टेबल के नीचे है, द गर्ल इज अंडर द टेबल। तो यही आपको समझना है प्रीपोजिशन, हर वर्ड में अपना एक क्लू है, एक सिग्नल है, उस सिग्नल को पहचानने का
प्रयास करिए, क्या करिए भाई साहब। तो आइए अगला अगर वर्ड समझा रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ भाई। प्री पोजिशन जैसे ही बदलेगा गलत नहीं होगा, प्री पोजिशन जैसे ही बदलेगा गलत नहीं होगा, मीनिंग कुछ और जाएगा। हम क्या कहना चाहते थे, मीनिंग कुछ और निकल के आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, सही समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें अपने पास अगला पॉइंट की, अगला पॉइंट अगर हम यहां से लगा रहे हैं, आकाश कानपुर, ठीक है ना। अब यहां हम आपसे पूछे हैं कि दोस्त इसमें हम क्या भरेंगे, ये टू भर दें या फ्रॉम भर दें या क्या भर दें, क्या भरें इसमें बताइए। टू भर देना, जब अब फ्रॉम लगा दिया तो गलत, कैसे गलत हो गया। अभी यही तो समझा रहे हैं कि प्री पोजिशन आने से गलती तो नहीं होगा, गलती तो नहीं होगा, लेकिन मीनिंग कहां भाग जाएगा, कुछ और जगह, कर कुछ और रहा है काम, लगा दिया कुछ और काम होना शुरू हो गया। या अगर यहाँ पे आप टू लगाते हो इससे पता चलेगा आकाश कहां जा रहा है भाई साहब, कानपुर जाता है, ठीक है ना, आकाश। अगर यहाँ फ्रॉम लगा दिया तब क्या समझ में आएगा, फ्रॉम लगा दिया तो कानपुर से जाता है, कानपुर नहीं जाता है, कानपुर से जाता है। फ्रॉम जेल लगा है कि टू जेल लगा है, टू होम लगा है कि एट होम लगा है कि फ्रॉम होम लगा है, क्या लगा है सर, एट होम लगा है, सही समझ में आ रहा है ना। जैसे स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे एट होम क्यों बोले, स्टे टू होम नहीं बोल रहे, क्या नहीं लगाया, स्टे टू होम घर पर रहिए, सही समझ में आ रहा है ना। स्टे ऑन द होम नहीं बोल रहे, स्टे ऑन होम नहीं बोल रहे, घर पर रहिए, क्या समझ में आ रहा है, स्टे एट होम बोल रहे हैं। तो स्टे एट होम क्यों बोल रहे हैं, एट क्यों लग गया यहाँ पे, कारण इसका अलग है, हर चीज का कारण होता है। मीनिंग नहीं समझते, अर्थ तो निकाल लेते हैं, चाहे जो ना आएगा अर्थ वो तो निकलेगा ही, लेकिन क्यों सही और क्यों गलत है, क्यों आया, रीजन नहीं पता है, और रीजन नहीं पता है वही रीजन समझाया जा रहा है यहाँ पे, क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ यही रीजन आपको समझाया जा रहा है कि भैया साहब आप समझो, अगर ये वर्ब लगा है तो ये प्रीपोजिशन क्यों आया है, अगर हम इसको हटा दें क्या ये शब्द सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ इससे पता चलेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है या कैसा वर्ब है, या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता नहीं है, क्या समझ में आ रहा है इसे। तो भैया कुछ तो जुगाड़ आएगा तभी तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो वह ऑब्जेक्ट कौन होता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे लगेगा वह शब्द प्रीपोजिशन, इसके बाद वह ऑब्जेक्ट आएगा, तो वह प्रीपोजिशन लगाएंगे इस वाले पार्ट को देखते हुए लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नाउन में नाउन का रिलेशन तो दिखा रहे हैं कहां से है वो शब्द, ठीक है ना। ये आकाश कहां से आ रहा है, यहां से, उसका रिलेशन यहां से है, लेकिन इस शब्द को देखते हुए भाई साहब, अगर इस शब्द को आपने जिक्र नहीं किया तो हम कह रहे हैं कि अभी एक क्वेश्चन और डाल रहे हैं, अभी इसमें एक क्वेश्चन और डाल रहे हैं, तब देखिए क्या होता है यहां से, ठीक है ना, तमाम क्वेश्चन यहां से बुद्धि जगेगा। तो बताइए यहां पे क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे चाहे टू लगाए तो टू लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आकाश कानपुर जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया तब समझ में आएगा कि आकाश कानपुर से जाता है, कहाँ से जाता है, कानपुर से जाता है, एक तो कानपुर के लिए जाता है टू लगने से, अब फ्रॉम लगने से कानपुर से जाता है, वहां से जाता है, ठीक है। और इसी बात पे यहां तक नोट हो गया है, ठीक है ना। माय बुक पुट्स ऑन द टेबल, माय बुक पुट्स स्पेस द टेबल, क्या हो गया, सही है ना। अब यहां पे हम आपको जगह दे रहे हैं, आन भरे, आन टू भरे, इंटू भरे, अंडर भरे या बिसाइड भरे, अक्रॉस भरे,
SCRO SS अक्रास भरे क्या भरे? आन ठीक है आगे अंटू और बिसाइड और बस। अगर हम यहाँ पे देखो अगर रखने की बारी करेंगे तो यहाँ देखो ट्रांजिटिव वर्ब आ गया है। कौन सा वर्ब आ गया है? अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव था और यहाँ पे क्या आ गया है? ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। और ट्रांजिटिव वर्ब आते ही सिग्नल बदल जाता है भाई साहब। हमने बोला है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए, नाउन में नाउन का रिलेशन तो जग रहा है, नाउन का राउंड नाउन से रिलेशन तो जगेगा ही जगेगा, अब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा टाइम कौन सा लोकेशन, लोकेशन दिखा रहा है ना इसमें, ये क्या दिखा रहा है इसमें? इसमें अभी हम जो लिख रहे हैं समझो कि आपको एक एक करके हर प्रीपोजिशन का समझाएंगे। अगर एक प्रीपोजिशन उठाया उसका टाइम भी बताएंगे, उसका लोकेशन भी बताएंगे और उसका डायरेक्शन भी बताएंगे, सब प्रैक्टिस चलेगा तब जाके आपको समझ में आएगा प्रीपोजिशन। नहीं तो प्रीपोजिशन पढ़ाने वाले यूट्यूब पर लाखों लोग हैं, अब देखिए कैसे पढ़ाते हैं वो लोग, कोई कैसे बाच रहा तो कोई कैसे बाच रहा है, कोई एग्जाम्पल लिया फटाक से खत्म कर दिया, सही समझ में आ रहा है ना? कोई लिया तो उसको थोड़ा सा बांच रहा है, बांच के खत्म कर रहा है, लेकिन बांच क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो बांच रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है बांचना क्या चाह रहा है, ये क्या लगेगा भाई? ये तो गलत हो गया। गलत इसलिए हुआ कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है। यहाँ पे एक्शन वर्ब कभी भी स्थिर नहीं होता है। आप ही सोचिए जो एक्शन होता है वह स्थिरता तो नहीं दिखाया गया, दिखाया गया है तो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब है आया है तो कभी जो प्रीपोजिशन का स्टॉपिंग वर्ड होता है वह शब्द नहीं लगता है कभी भी। अगर ये शब्द मन में विजुअलाइजेशन होना शुरू होगा अंग्रेजी का एकदम लेवल, तुम सच में यहीं से बोलना लिखना एकदम अब कुछ भी समझ जाइए, आपके सिवा छोड़ा नहीं गया है, एकदम चरम सीमा पर अंग्रेजी फटाफट मुंह से निकलेगा धड़ल्ले से। तो यहां से समझ में आया कि भैया साहब रख रहा है, अभी रखा नहीं है, मेरी किताब को कहां रख दीजिए? टेबल पर रख दीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या शब्द है भाई साहब? ये मोशन को बताता है। किसको बताता है? मतलब अभी टेबल पर आया नहीं है, अभी टेबल पर तो काहे बोल रहा है पुट? टेबल पर होता है तो काहे बोलता पुट? देखो अगला है ना, आन होता था, टेबल पर रखने के लिए बोल रहा है ना, टेबल पर है या नहीं है? नहीं है, टेबल पर होता तो मेरे भाई साहब द माई बुक इज ऑन द टेबल तुरंत बोल देते, लेकिन टेबल पर नहीं है, टेबल पर रखने के लिए बोला जा रहा है, उस चीज को समझो नहीं तो गलत हो जाओगे। यहाँ पर स्टैट्यू वर्ब आया था, क्या आया था? स्टैट्यू वर्ब है, अवस्था बता रहा है, और जबकि यहाँ पर है यह एक्शन वर्ब है और यह ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ काम अलग हो गया और यहाँ काम, देखो यहाँ आन, यहाँ आंटू लगाओगे गलत हो जाएगा और यहाँ आन लगाओगे गलत हो जाएगा, यही फर्क देखना है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए। ये पहली बार दूसरी बार दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही दो क्लास या एक क्लास आगे बढ़ेगा तो सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? आंटू लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? इससे पता चलेगा किताब को कहाँ रख दीजिए भाई? टेबल के ऊपर। कहाँ रख दीजिए? या टेबल पर रख दीजिए, ठीक है ना? यहाँ भी पर का अंग्रेजी आन है, यहाँ भी पर का अंग्रेजी, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है सर कि अभी ये हुआ नहीं है, सही समझ में आ रहा है ना? इससे पता चला कि वह काम करना चाह रहा है वो सतह पर, वो भी सतह पर, ये भी सतह पर है, इसका काम अलग है, इसका काम यहाँ अवस्था दिखा रहा है, पहले से वह स्थिर है और यहाँ पे पहले से है नहीं, उसके ऊपर रखा जाएगा अभी। और यहाँ पे अगर हम इंटू लगा दे तो गलत हो जाएगा, अंदर होता है, मेज के अंदर वहां रखेंगे, मेज के अंदर मतलब अंडर बोलेंगे उसके नीचे, तो यहाँ पे इंटू शब्द भी गलत है, इंटू भी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन गलत नहीं है, इसका स्थान गलत है भाई साहब, क्योंकि यह शब्द यहाँ नहीं आएगा,
सही समझ में आ रहा है? आई जम्प्ड इन द पॉन्ड या इन टू द पॉन्ड। तो इन टू द पॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जंप कर रहे, क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये जंप क्या है, एक्शन वर्ब है कि नहीं है? और ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो हमेशा प्रीपोजिशन तो नहीं आता है, डायरेक्ट नाउन आता है। फिर आपने ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन कैसे लगा दिया? अभी बाढ़ फंसेगा यहां भी। तो ये पुट्स, यहां एक्शन है, कौन सा वर्ब है यहां पे? जबकि यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब देखो अवस्था मतलब स्थिरता बताता है, और जबकि एक्शन वर्ब अगर आ जाएगा तो गति बताएगा। क्या बताएगा भाई साहब? और जब गति बताएगा तो हमेशा उसके साथ ये रिलेशन देखिए किस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पे अंटू सही है, इंटू गलत हो, अंडर सही है। बी साइड टेबल के बगल में रख दीजिए, अक्रॉस टेबल के उस पार रख दीजिए। तो इसमें सब सही है, केवल दो शब्द इसमें गलत हो गए, यहाँ पर आना सही है ना। तो सबसे पहला काम कि प्रीपोजिशन कोई गलत नहीं होता, उसका स्थान प्रीपोजिशन जो लगेगा आगे वाले सिग्नल को, आगे वाले शब्द को या नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है उसको जगाने के लिए हम प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आपकी मर्जी क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो बाकी कल से आपका चालू हो जाएगा प्रीपोजिशन। वह पहला प्रीपोजिशन लगेगा वह आन होगा। क्या होगा? अच्छा, नियर अबाउट प्रीपोजिशन कितने हैं? नियर अबाउट 140 से 150 तक, इनकी तादाद कितनी है? 140 से जो प्रीपोजिशन की टोटल तादाद है, इनकी संख्या देखा जाए तो वह 140 से लेकर 150 तक इनका संख्या है भाई साहब। कितनी संख्या है? 140 से लेकर 150 तक इनकी तादाद है। इन्हीं में से पहला कल वर्ड लगेगा, यह आन होगा। एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, सही है ना? एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आन का मतलब इसमें लगभग 15 से 20 वर्ड, 20 प्रीपोजिशन ऐसे है जो हर जगह विख्यात है। क्या है भाई साहब? हर जगह विख्यात हो, अंग्रेजी में बोलने लिखने पढ़ने के लिए यही काफी है, खाली 20 हो, ठीक है ना? और बाकी 50 तो पढ़ लिया तो एग्जाम कोई भी रहेगा क्रैक हो जाएगा, और बाकी तो खाली लफड़ा के लिए है, ठीक है ना? तो पढ़ाया तो सब जाएगा, सिखाया तो सब जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है? क्या भाई साहब, पहला कौन सा लगना चाहिए? आन ना, आन ना, ही आन का जुड़वा भाई अंटू है। क्या है भाई साहब? उसी का जुड़वा भाई उसी के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि आन पढ़ाने के बाद उसका जुड़वा भाई ना लगा के उसको 4 साल के बाद हम लोग देखेंगे अंटू को, ये काम नहीं, ठीक है? स्टॉप लगाते हैं, ठीक है? अच्छा,